हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला, कल आपका 1 फरवरी है, कल आपका बजट डे भी है, क्लियर। तो बजट डे काफी इंपॉर्टेंट होने वाला, काफी ज्यादा मूवमेंट आपका अपसाइड है, डाउनसाइड होने वाला है। तो हम प्लानिंग करें, आज वीडियो में प्लानिंग करेंगे कैसे हम कल के मूवमेंट्स को पकड़ पाए, कैसे हम प्लान कर पाए। लेकिन उससे पहले समझते हैं बैंक, सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी देखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। आप देखें रेजिस्टेंस, देखें आप ट्रेंड लाइन यहाँ से और यहाँ से, मतलब मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है वहाँ से रिएक्शन फेस कर रहा है, मार्केट वहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक वैसे आप लोअर साइड देखेंगे अगर ये ट्रेंड लाइन आपका एक सपोर्ट लेते हैं मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब एक तरह का ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा और किसी भी टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकआउट या अपर साइड हो या लोअर साइड में हो, क्लियर। लेकिन पॉसिबिलिटी है ब्रेकआउट आपका ऊपर साइड में हो सकता है एज पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लग रहा है, क्लियर। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल आपका ये भी है मार्केट में, अगर आप देखेंगे जो कि बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है 37,975 के आसपास क्लोज, दैट मीन ऑलमोस्ट 38,000 के आसपास बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। दैट मीन 38,000 का मेक और ब्रेक लेवल है, यहीं पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर्स भी और यहीं पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स भी हैं। तो एक बात और मैं आपको क्लियर कर दूं, कल के दिन पे जो बजट डे आपका होने वाला, इस दिन कोई भी लेवल वर्क नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा कोई भी लेवल वर्क नहीं करेगा। मार्केट को अगर बजट पसंद आया तो मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, और मार्केट बजट पसंद नहीं आया तो उसके दूनी तेजी से मार्केट नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा। तो वैसे भी आज का ऑप्शन की जो प्राइस है, जो प्रीमियम है, बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल डेज में 100 रुपीज का जो 100 प्रीमियम होता था, वो नॉर्मली आजकल 200 से लेकर 300 तक का प्रीमियम है, क्लियर। तो इसलिए कल मार्केट में ये वॉलिटिलिटी हो, कल ट्यूजडे का दिन भी है तो वॉलिटिलिटी होगी, और मार्केट आपका ऊपर जाएगा तो भी प्रीमियम बढ़ेंगे, कम बढ़ेंगे, और नीचे आएगा तो उससे ज़्यादा तेज गिरेंगे, क्लियर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, कोई भी ऑप्शन अगर आप बाय करते हैं तो मेक श्योर उस मोमेंटम में जो भी आपको ऑप्शन का प्राइस मिल रहा है, सपोज करिए ऐसे कि आपने कोई स्टॉक प्राइस की बाय किया, आपने बाय कर लिया 100 रुपीज में ऑप्शन बाय किया, और एक मोमेंट हुआ ये 100 से 150 रुपीज पहुंच गया, तो आप इसको बुक करिए, आप वेट मत करिएगा कि ये 100 से 200 हो या 300 हो जाए। अगर उस मोमेंटम में जितना मिल रहा है उस मोमेंट को कैच करिए, अगर इतना मोमेंटम मिला कैच कर लीजिए, उसको आप बुक करिए, दोबारा मौका मिलेगा फिर लीजिएगा, लेकिन वेट मत करिएगा क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा है, इस बात ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो देखिए इंपॉर्टेंट लेवल पर आपका बैंक निफ्टी बंद हुआ है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर ही बंद हुआ है, ठीक है। तो कल का ट्रेड सेटअप बहुत ही अच्छा है कि मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, अब देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट में मिल सकता है। अगर पोजिशन ट्रेड करते हैं तो आपका ये आपका लेवल होगा 38,000 ऑलमोस्ट 800 के आसपास, और उसके बाद मार्केट आपका जो लाइफ टाइम हाई है उसको टच कर सकता है अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो। ये लॉन्ग ये पोजिशनल ट्रेड के लिए ठीक वैसे अगर शॉर्ट टर्म की बात करते हैं तो अगर इस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ लो को ब्रेक करने में मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक आ सकता है, छोटा मोटा आपको ये मिलेगा, और इस लेवल को फाइनली ब्रेक करके क्लोज करने लगे, मतलब ट्रेड करने लगे, फिर आपका करेक्शन डी होगा जो कि यहाँ तक आ सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात हो गई, अब बात करते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में, शॉर्ट टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे कि 50 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है उसी लेवल पे सेम, जहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का अगर रेजिस्टेंस आप देखेंगे उसी का सेम रेजिस्टेंस आपका छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखाई देगा। आप देखिए यहाँ पे ठीक है, आप देखेंगे तो एक सिंपली क्या हो रहा है कि मार्केट एक जहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को लेके सपोर्ट लेते हुए रेजिस्टेंस फेस करते हुए मार्केट चल रहा है, और यहाँ से नीचे से भी एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। जैसे ही कल मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है और यहाँ इसको पार करता है, दैट मीन्स 38,100 इस लेवल को अगर ब्रेक करके निकलता है मार्केट तो अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है, इस लेवल तक मार्केट जा सकता है एक बार, और इसके निकलने के बाद तो फिर तो मार्केट रॉकेट बन जाएगा, क्लियर। लेकिन लेवल्स ये कल तभी वैलिड है मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है कहीं पे, अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप ओपन होता है, अगर ये रेजिस्टेंस आप देखेंगे देखो 38,400 का रेजिस्टेंस है, अगर इसको ऊपर निकलता है या यहाँ पे एक कैंडल कोई यहाँ पर अगर कुछ इस तरह की इन्वर्टेड हैमर टाइप की कैंडल बनाती है तो सिंपल इसका आपको हाई का आपको ऐसा लग के इसको सेल कर देना, जो कि मार्केट यहाँ 38,000 को या यहाँ तक मार्केट एक बार और जरूर आ सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोज कर दिया, इस तरह की कैंडल मान ली क्लोज कर दी आपकी एक हैमर टाइप की, देन मार्केट रॉकेट बन जाएगा ऊपर की तरफ। तो ये जो गैप अप होता है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मार्केट इस लेवल को निकलता है तो भी आपको इंपॉर्टेंट रखना है कि इस लेवल निकलने के बाद आपको मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, देन आपका जो इस प्राइस होगा 38,250 आपका होगा, फिर 38,400 देन 38,550, ये आपका टारगेट जो बन जाएंगे अपर साइड में, ठीक है। ऐसे लोअर साइड में अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करता है, आप देखेंगे बहुत सारे सपोर्ट लेवल इस लेवल को ब्रीच करता है, देन आपका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 37,500 तक आपका नेक्स्ट नीचे साइड में सेल साइड में टारगेट आपका हो सकता है, क्लियर।
तो ये आपका बैंक निफ्टी है, ध्यान रखे बहुत इंपॉर्टेंट डे में प्ले करना है आपको। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में, निफ्टी को कैसे प्ले करना है। निफ्टी आप देखिए, निफ्टी भी अब तक निफ्टी जो है नेगेटिव लग रहा था, लेकिन निफ्टी आज ने क्लोजिंग बहुत अच्छे लेवल पर दिया। निफ्टी ने आज 17,200 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, क्लियर। ये क्लोजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर 17,000 जो मार्केट क्लोज किया और 17,340 के आसपास क्लोजिंग किया, जो कि काफी अच्छी क्लोजिंग मानी। आप देखेंगे प्रीवियस कई सेशन से क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था ऊपर, बार बार नीचे आ जाता, लेकिन इसने इस जो सपोर्ट टाइम था 17,200 इसके ऊपर क्लोज दिया है और बहुत अच्छे एंगल से। अगर आप देखेंगे कि अगर फिबोनाची का अगर आप लेवल लगा लेते हैं, फिर वीवो लेवल पे भी अगर आप देखेंगे तो ये रिट्रेसमेंट जो लेवल आपको बन रहा है, तब देखेंगे जो रिट्रेसमेंट लेवल है 50% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ पे मार्केट ने क्लोज किया है। कल अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, 17,400 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो अच्छा खासा रैली आएगा। जो नेक्स्ट टारगेट आपका एज पर फीबो आपका 17,600 का आपका नेक्स्ट टारगेट होगा एज पर फीबो लेवल, ठीक है। ठीक ऐसे ही अगर नीचे साइड में अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है 17,200 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो आप सेल प्लान करेंगे तो टारगेट आपको होगा 17,000 तक, आपका टारगेट नीचे की साइड में होगा, क्लियर। लेकिन ये देखिए, ये केवल आपको एक प्लानिंग कर सकते हैं कि इस तरह मार्केट ट्रेड कर सकता है, लेकिन कल के दिन में अगेन बार कोई भी लेवल वर्क नहीं करेगा। सारा लेवल जो काम करेगा ओनली न्यूज बेस, क्लियर। ये तो बात हो गई बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में। अब बात करते हैं कल ट्रेडिंग प्लान कैसे करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब चीजें समझना चाहिए आपको ट्रेडिंग कल कैसे प्लान करना है। तो देखिए ट्रेडिंग कैसे प्लान करना है, सिंपली आप देखिए मार्केट में अब तक आप अगर आपने डेटा देखा हो कि मार्केट का जो बजट सेशन स्टार्ट होता है समर अराउंड 11 AM के आसपास स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मार्केट मॉर्निंग से लेके 11:01-2 तक वॉलेटिलिटी क्रिएट करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन चूज करता है, या तो अपर साइड में या डाउन साइड में। तो हमें नहीं पता कल मार्केट कैसा होना है, मार्केट हमारा अच्छा होगा या बुरा होगा बजट हमारा, लेकिन हमें पता है मार्केट को कैसे कैच करना है। तो सिंपली क्या करना है, कल आपको मॉर्निंग में वेट करना है, कोई भी पोजिशन आपको मॉर्निंग में नहीं बनानी है। ध्यान रखिए मॉर्निंग कोई पोजिशन आपको नहीं बनानी है, आपको पोजिशन बनानी है 11:00 के आसपास। ध्यान रखिए 11:00 के आसपास आपको पोजीशन बनानी है। पोजीशन कैसे बनानी है, आपको सिंपली इनिशिएट करना है लॉन्ग स्ट्रेडल। लॉन्ग स्ट्रेडल के बारे में सबको पता होगा, जो भी एटीएम प्राइस होगा, अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी की या निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी की, जिसमें भी आपको ट्रेड करने का इंटरेस्ट हो, जो भी एटीएम प्राइस होगा उसकी सीई प्लस पीई दोनों को बाय कर लेनी है, क्लियर। दोनों को बाय कर लेनी है। बाय इस तरीके से करना है, सपोज करिए सी की प्राइस अगर 100 रुपीज है तो पीई की प्राइस भी ऑलमोस्ट 100 रुपीज के आसपास ही रहे। अगर 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे मिलता है, सपोज करिए 100 ना मिलेगा 105 मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाय कर सकते हैं। ये 100 ना मिलेगा आपको 98 मिलेगा तो भी आप बाय कर सकते हैं, मतलब 2-4 पॉइंट 6 पॉइंट का डिफरेंस हो, इससे डिफरेंस आपका ना हो। तो ये नॉर्मली अगर मार्केट में थोड़ी देर तक स्टेबिलिटी रहे तो आपको दोनों एटीएम प्राइस पे आपको सेम प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता है, ध्यान रखिए अगर नहीं मिलता है, कभी होता है क्या कि मार्केट वॉलेटिलिटी ज्यादा क्रिएट करेगा तब आपको नहीं मिलेगा, तो उस केस में क्या करेंगे, आपको सर्च करना है जो नियरेस्ट, सपोज करें जो एटीएम सी है, एटीएम सी में आपको प्राइस पड़ रहा है 110, क्लियर। दैट इज सपोज करिए 17,400 आपका एटीएम प्राइस हो गया, इसकी कॉल हमको मिल रही है 110 रुपए में, लेकिन 17,400 की जो पी है ये हमको नहीं मिल रही है 110 में, क्लियर। तो उस केस में हम देखेंगे अगला नेक्स्ट कौन सा पी है, जो 17,300 मान लिया पी होगा, ये हमको 110 के आसपास या 109 रुपये मिल रही है, तो हम इसको बाय कर लेंगे, ठीक है। मतलब मेन कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों ही जो स्ट्राइक प्राइस हैं, इसमें जो पीई प्लस सी है, इसमें आराम से आपको एक ही स्ट्राइक प्राइस में इसको बाय करके आपको छोड़ देना है। कब तक, 2 बजे तक, जब मार्केट में मूवमेंट एक डिसाइड हो जाएगा कि मार्केट में बजट अच्छा लगा तो मार्केट ऊपर जाएगा, अगर बजट बेकार लगा तो मार्केट नीचे आएगा। जब मोमेंट डिसाइड हो जाएगा मार्केट का, तब आपको अच्छा खासा पैसा बना कर देगा। ये पैसा कब बनेगा, जब मार्केट में मूवमेंट, अगर मार्केट में मूवमेंट अगर साफ होगा, ठीक है, तो पैसा बनेगा। अगर मार्केट में मूवमेंट साफ नहीं होगा, ऐसे वॉलेटाइल होगा, तो फिर आपको मूवमेंट नहीं होगा, फिर आपका लॉस में जाएगा, क्लियर। लेकिन बाई चांस अगर सपोज करिए कि मार्केट में आपने जो स्टेटस बनाया है इसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, मतलब मार्केट ने कोई मूवमेंट, मार्केट साइडवेज चला गया, तो हम वेट करेंगे 3:00 तक, क्लियर। हम पोजीशन को बुक नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे 3:00 तक। 3:00 तक अगर मूवमेंट नहीं आया तो 3:15 के आसपास या 3:20 के आसपास हम अगेन एक एटीएम प्राइस का पी प्लस सी बाय कर लेंगे,
ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर मार्केट ने मूवमेंट नहीं किया, सपोज पहला हमने जो 11 o'clock जो स्ट्रेडर लिया है, अगर इसमें हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, क्लियर, तो हम 315 से लेकर 320 के बीच में अगेन एटीएम प्राइस का जो है पीई प्लस सीई दोनों को फिर से बाय कर लेंगे, क्लियर। क्योंकि एज पर बैक डेट डेटा, मैं कल भी आपको डिस्कस किया जो बैक डेटा कहते हैं कि मार्केट में मूवमेंट अगर सेम डे मूवमेंट नहीं आया तो नेक्स्ट डे मूवमेंट जरूर आएगा, चाहे अपर साइड है चाहे डाउन साइड है, तो किसी भी कीमत पे हमको 3 से 3:20 के बीच में एक एक लॉट को और ऐड कर लेना है, और नेक्स्ट मॉर्निंग जो कि आपको वेडनेसडे होगा उस अर्ली मॉर्निंग में आपको मार्केट से जो भी प्रॉफिट मिला उसको बुक करके मार्केट से एग्जिट कर देना है, क्लियर। सपोज दैट कि अगर आप मान लीजिए कि आपको आपको कल ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और आपने मल्टीपल लॉट लिया हुआ है, सपोज कि आपने 2 लॉट लिया हुआ, तो एक लॉट अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो एक लॉट बुक करेगा और एक लॉट ओवरनाइट के लिए आप होल्ड करेगा। ओवरनाइट होल्ड इसलिए करना है कि आपने एक लॉट में प्रॉफिट बुक कर लिया, दैट मीन्स आपकी पूरी जो कॉस्ट लगी है 2 लॉट को बढ़ाने के लिए बनाने के लिए कॉस्टिंग आपको ऑलमोस्ट आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि एक्सपायरी आपकी थर्सडे के, ध्यान रखिए एक्सपायरी आपकी थर्सडे के, जो वैल्यू जो भी आपकी जीरो होनी है वो थर्सडे को होनी है, आपके ट्यूसडे या वेडनेसडे को वैल्यू जीरो नहीं होनी ऑप्शन की, ये आपकी होगी थर्सडे को, तो आपके पास पूरे 3 दिन है प्ले करने के लिए, लेकिन वो तब थर्सडे नहीं जाना है, आपको ट्यूसडे और वेडनेसडे में ही खत्म कर देना है, क्योंकि इसका प्रीमियम की वैल्यू ओवर प्राइस्ड है, मार्क तो बहुत तेज प्रीमियम गलेगा तो जो सेलर्स होंगे उनको पैसा मिलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा तभी आप इसको प्लान कर पाएंगे, क्लियर। तो ये स्ट्रेटेजी आपको प्ले करनी है, टाइम की ध्यान रखिएगा, पहला 11 o'clock में, सेकेंड आपका 350 से 320 के बीच में, क्लियर। जो पैसा मिले बुक करते जाइएगा, और एक सिंपल सा तरीका यही है कि जो कल स्टॉक में भी अगर कोई ट्रेड करते हैं, अगर आप हैं तो, अगर सपोज करिए बैंक निफ्टी अगर मार्केट बजट बहुत अच्छा हो गया, क्लियर, एक कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा हमेशा, मार्केट अगर बजट बहुत अच्छा है मार्केट ऊपर गया और बैंक निफ्टी भी रॉकेट बन गया, ठीक है। तो जो भी बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपका SBI है, ठीक है, HDFC बैंक है, या मान लीजिए ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सारे बैंक भी ऊपर जाएंगे, ध्यान रखिएगा ये सारे बैंक भी ऊपर जाएंगे, तो उस केस में भी आपको तैयार रखना है कि अगर बैंक निफ्टी में आप पोजीशन मिस कर गए हैं, नहीं आप अपना पोजीशन बना पाए हैं, तो जिसके कंपोनेंट्स हैं इन सब में आप पोजीशन बना के मूवमेंट्स को कैच कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इंडेक्स में ही बना पाए, आप इन स्टॉक्स में भी बना सकते हैं, बहुत सारे लोग इंडेक्स प्ले नहीं करते, केवल स्टॉक प्ले करते हैं, तो उनके लिए भी ये तरीका है कि अगर देख रहे हैं मार्केट अगर वन साइड मूव कर रहा है, अगर ऊपर मार्केट जा रहा है तो ये सारे स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो सारे स्टॉक्स भी डाउन आएंगे, तो उसी के हिसाब से वो स्टॉक्स में भी शॉर्ट पोजीशन या बाय पोजीशन बना के अच्छा खासा पैसा इसमें बना सकते हैं, क्लियर। तो ये पूरा माइंड सेट क्लियर रखिएगा तभी आपको इसमें अच्छा खासा पैसा बनाया पे। बजट डे ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ बजट डे है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने वाला है, क्लियर। उस वोलेटिलिटी में अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, आप बहुत जल्दी एंट्री करना आपको नहीं आता है, आपको लेट करते हैं या आपको टाइप करने में प्रॉब्लम आता, टाइम लगता है, देन आप वेट करिएगा या मत ट्रेड करिएगा, क्योंकि अगर पोजीशंस गलत है, आपने एक पोजीशन ट्रेड के लिए और आपके अगेंस्ट चली गई हो तो बहुत लंबा स्टॉप लॉस होगा कल, क्योंकि कल स्टॉप लॉस भी बहुत लंबे लंबे हिट होने वाले हैं, कल आपका 10% या 15% का स्टॉप लॉस कुछ काम नहीं करने वाला है, या जो नॉर्मली अगर 20 पॉइंट या 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर रखते हैं तो ये स्टॉप लॉस कोई काम नहीं करने वाला है, क्योंकि वॉलिटिलिटी बहुत गजब की होने वाली है, ठीक है। तो मेक श्योर पोजिशन साइज जो है छोटा रखिएगा, स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करिएगा और रैली को एंजॉय करेगा। तो आई होप आपको ये बजट का स्पेशल वीडियो आपको समझ में आया होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो कैसे आप बजट पैसा बना सकते हैं बिना डायरेक्शन को जाने हुए भी। तो इस वीडियो जितना हो सके फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख कर अपनी स्ट्रेटजी को प्लान कर पाए। और हाँ, अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ जरूर ज्वाइन कर लें, मैं वहाँ पर डेट्स अपडेट पोस्ट करते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए स्ट्रेटजी के साथ में, पूरा वीडियो देखने के लिए प्यार पूर्वक धन्यवाद।